ओके तो लास्ट टॉपिक में हमने जो टेम्पररी मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्पररी मेथड्स हैं उन्होंने देखा था। अब इस वीडियो में हम परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को देखेंगे। विल स्टडी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक्चुअली में सर्जिकल मेथड्स भी कहलाते हैं, सर्जिकल मेथड्स। ओके तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मेल की, इन मेल्स तो मेल में ये कहलाता है क्या, वैसेक्टमी। वैसेक्टमी देखिए, किसी भी वर्ड के आगे अगर टी ओ एम वाई लगता है, टमी वर्ड लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड क्या है, वैसेक्टमी। तो वैसेक्टमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो किसके साथ हो रहा है, वो हो रहा है वास डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, कट एंड टाइड। ओके तो जैसे हमें पता है कि मान लीजिए ये जस्टिस है, यहां से निकल कर जा रही है और ये ऐसे करके यूनिट ब्लड के पास से ऐसे आएगी, यू आएगी, तो ये क्या है, दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज जस्टिस। तो हम उसको बीच में से कट कर दें, कट करने के बाद दोनों पोर्शन को अलग अलग टाइट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो स्पर्म होगा वो इसमें आगे नहीं जाएगा, अगर ये दोनों को अलग अलग कर दिया, कट कर दिया जाए और ऐसे करके इनको टाई कर दें, हम इसको अलग टाई कर दें, उसको अलग टाई कर दें, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो स्पर्म है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और अगर स्पर्म वास्ट डिफरेंस को हमने कट कर दिया, स्पर्म और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म जो है वो इजेकुलेशन में रिलीज नहीं होगा, विच कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो ये परमानेंट मेथड है मेल में, इसे वैसेक्टमी कहते हैं, मतलब वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइट किया जा रहा है। ओके इसी तरीके से फीमेल्स में ही कहलाता है क्या, ट्यूबेक्टमी। इसका मतलब क्या है कि इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब का एक नाम क्या होता है, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कट एंड टाइट, इससे क्या होगा, इससे जो ओवम है या सेकेंडरी ट्यूबसाइट है जो रिलीज हुआ है ओवरी से, तो वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, या फिर आप ऐसा समझिए इसको, जैसे कि मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी, दिस इज यूट्रस, यहां पर ये ओवरी है, इस तरीके से यहां से ही जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है, तो उसको यहां से कट कर दिया अगर, तो जो सेकेंडरी साइड रिलीज हुआ है वो यहां पहुंच गया, तो जो स्पर्म जो इधर से आ रहा है हमने इसे कट कर दिया इसको, तो स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, हमने तो कट कर दिया, कट करने के बाद इसको अलग से टाई कर दिया, उसको बांध दिया, पुरुष को अलग बांध दिया, तो ये पुरुष अगर कट हो गया तो जो स्पर्म इधर से आ रहा है यूट्रस से, वो इस एग को या ओवम को या सेकेंडरी साइड को मीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में जो फैलोपियन ट्यूब उसको हमने कट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टमी, बिकॉज इसमें फैलोपियन ट्यूब या जो भी डक्ट है वो कट एंड टाइट की जा रही है। अच्छा, इस परमानेंट मेथड को क्योंकि दोनों में ट्यूब्स हैं वो कट एंड टाइट की जा रही है, इसलिए उसको एक कॉमन वर्ड देते हैं, उसका नाम क्या है, ट्यूबल लाइगेशन है। एक्चुअली में इस मेथड में कभी कभी क्या किया जाता है, कट नहीं किया जाता, सिर्फ टाई कर देते, बांध देते, लेकिन वो चांस वो उसमें कभी कभी अक्सर मतलब अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि स्पर्म के और या ओवम के पहुंचने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इस प्रोसीजर में कट किया जाता है, टाई किया जाता है, तो कभी कभी सिर्फ टाई कर देते हैं, जैसे क्योंकि पाइप है आपने उसको टाई कर दिया, उसे बंद कर दिया, ऐसे बांध दिया, तो जो भी चीज अंदर से जा रही है वो नहीं जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। वो भी किया जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर उसमें कट एंड टाइट ही किया जाता है, आप इसी को याद कीजिए, ठीक है। तो दिस इज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या सर्जिकल मेथड्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल डिटरमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
इसको हम शॉर्ट में एनटीपी भी कहते हैं या इसको इंटेंशनल एबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का मतलब यह है कि मेडिकली एडवाइस किया गया हो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए या फिर अबॉर्शन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इंडिया में कब लीगलाइज हुई थी। इट वॉज लीगलाइज 1971 इन इंडिया, ओके। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कब तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना सेफ रहता है, ठीक है। तो कंप्लीटली सेफ जो रहता है वो कितना रहता है, 12 वीक, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इट इज कंप्लीटली सेफ टू अबॉर्ट इट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसके बारे में। थर्ड पॉइंट है कि ये तो कंप्लीटली सेफ की बात हो गई, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम के साथ हम सेफ कर सकते हैं क्या अबॉर्ट कर सकते हैं, कब तक, 28th वीक तक। तो अप टू 28th वीक प्रेगनेंसी कैन बी अबॉर्टेड, बट ओनली प्रेगनेंसी कैन बी अबॉर्टेड बट ओनली विद द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस, ठीक है, बट विद द सुप्रीम कोर्ट परमिशन तो इस पूरे केस को पहले देखा जाता है, समझा जाता है कि इसमें किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और इंटेंशन हो, जैसे कि फीमेल फेटिसाइड हो, कुछ ऐसे को तो कोई रीजन नहीं है। तो ये सब या फिर ये भी देखा जाता है कि मदर की जान को कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे 12 वीक के बाद टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो मदर की जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा अगर हम वॉशिंग करते हैं तो। क्यों पड़ेगा उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 12 वीक के बाद और टाइम गुजरता है जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत इंटीमेट कनेक्शन बना देता है मदर के साथ, ठीक है। और इंटीमेट कनेक्शन का मतलब यह है कि जितना इंटीमेट ज्यादा कनेक्शन होगा उतना ही ज्यादा फीटस को निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्लीडिंग उतनी ज्यादा होगी तो मदर की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो वो मदर की हेल्थ भी ध्यान में रखी जाती है। अगर ऐसा होता है कि मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है और अबॉर्शन करना सेफ है तो अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मना नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इसका रीजन है क्यों इसमें जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की या फिर हमें अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस की परमिशन की, ओके। तो ये इसमें बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम देखना है क्या कि क्या क्या रीजन होते हैं कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। तो जैसे कि पहला रीजन क्या होता है, अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिफेक्ट है तो इट इज अलाउड इन केस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट या क्रोमोसोमल डिफेक्ट और एनी डिफॉर्मिटी, अगर कुछ ऐसा है तो भी ये अलाउड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है और दो बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिससे कि मदर की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, तो दैट केस आल्सो अबॉर्शन इज अलाउड टू मेंटेन प्रॉपर गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन, ठीक है। या फिर एक रीजन हो सकता है क्या, कोई रेप केस सर्वाइवर है, ठीक है, और द मदर डज नॉट वॉन्ट टू बेयर द चाइल्ड, तो इन दैट केस ऑल्सो अबॉर्शन इज अलाउड इन रेप केस। इन रेप केस इफ मदर इज नॉट willing to bear the child, ठीक है, तो in that case also medical termination of pregnancy is allowed। तो ये कुछ reasons हैं जिनकी जहाँ पर medical termination of pregnancy allowed की जाती है। मैंने कहा up to 12th week of pregnancy medical termination of pregnancy जो है वो safe है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी करा सकता है, क्योंकि इसका misuse भी होता है the female feticide, ठीक है, जो female जो fetus होता है उसको मारने के लिए इसका misuse होता है।
क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जहाँ पर कि ये माना जाता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पर ये माना जाता है कि फीमेल जो फीटिसाइड है उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको जल्दी जल्दी नहीं दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में इसको रोकने के लिए इंडिया में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है या फिर जेंडर डिटर्मिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो दिस इज मेडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।